मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गड़ी खुदावश में आए हुए मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी भट्टो। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा भुट्टो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हुकूमत में अवाम की खिदमत की है। हमारा मंशूर भी यह है, हमारी सोच भी यह है और हमारी आखरत भी यहाँ है। हम इसी दुआ में चलते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा, किसी की बहन की खिदमत करते, किसी के भाई की खिदमत करते। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूं, पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसके अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंसान ज़ात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। मगर यहाँ वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मगर इंशाल्लाह, जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी। और ये सब बदलेगा बिलावल, आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। और मैं आप दोस्तों को यहाँ आने में आकर देख के निहायत मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वर्करों में खड़ा हूँ, मैं गड़ी खुदाबख्श में खड़ा हूँ। और जो वादा मैंने पहले दिन किया था बीबी साहिबा से, वो आस्ते आस्ते पूरा कर रहा हूँ। आप दुआ करें कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें मौका दे कि हम वो सब वायदे भुट्टो साहब के, बीबी साहब के पूरे कर सकें। आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जिए भुट्टो।